क्या आपको भी इस बात का डर है कि ज्यादा एग्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा? क्या आप ऑनलाइन और अपने चारों तरफ एग्स के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर थक चुके हैं? तो डोंट वरी, आप दिन में कितने अंडे सेफली खा सकते हैं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर न पड़े, इस पर आज वंस एंड फॉर ऑल आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। Eggs are without doubt one of the most nutritious food on the planet. In fact, एक पूरे egg में इतने nutrients होते हैं कि उसका एक single cell भी एक पूरे chicken में convert हो जाता है। पर egg yolk की reputation market में ज़्यादा अच्छी नहीं है। And इसका main reason है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ये गलतफहमी ये है कि yolk में बहुत सारा cholesterol छुपा हुआ है। पर इसका logic इतना simple नहीं है जितना आप समझते हैं। हमारी body and cholesterol का एक बहुत unique relation है। All cholesterol is not bad and you need cholesterol for a healthy body. अगर मार्केट में एग योक से भी बुरी इमेज किसी की है तो वो है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी काफी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है क्योंकि कुछ स्टडी में इसे हार्ट डिसीज और अर्ली डेथ से लिंक किया जाता है। हालांकि इसके एविडेंस थोड़े मिक्स्ड अप से है। सच्चाई ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, मतलब आपके बॉडी के हर सेल की दीवारों तक को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सीमेंट का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या कोर्टिसोल बनाने में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे ये हमारी डाइट में हो या ना हो, लेकिन इसकी जरूरत हमारे बॉडी को हमेशा रहती है। इसलिए हमारी बॉडी में हमारा लिवर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, पर हमारी बॉडी उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना एडवांस है कि अगर आप अपने डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इंटेक करने लगे तो लिवर कोलेस्ट्रॉल को बनाना ऑटोमेटिकली कम कर देता है ताकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहे। एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है एंड बॉडी उसको एक लेवल पे मेंटेन करती है। बस सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कभी आपका लिवर खुद होता है, कभी आपकी डाइट बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाइट दैट यू आर टेकिंग। ये फैक्ट 1996 में एक डिटेल स्टडी में पीटर जोन्स एंड अनुराधा पप्पू ने बहुत ही सॉलिडली प्रूफ कर दिया था। इस स्टडी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी पब्लिश किया गया। इस स्टडी में 30 लोगों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें 7 लोगों को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट पे रखा गया, 12 लोगों को मीडियम कोलेस्ट्रॉल डाइट पे रखा गया एंड 11 लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट पे रखा गया। 4 वीक्स तक इन लोगों को अपने अपने ही ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल डाइट को फॉलो करना था एंड उसके बाद 4 वीक्स तक उनको वॉशआउट पीरियड पे रखा गया जहां उन्होंने नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट को कंज्यूम किया। डाइट के फाइनल डे पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेजर किए गए एंड इवेंचुअली ये पता चला कि हाई और मीडियम कोलेस्ट्रॉल डाइट के केसेस में नॉर्मल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जेनेसिस या प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो लिवर प्रोड्यूस करता है वो रिड्यूस हो गया था, जिससे ये प्रूव होता है कि जब आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी कंपनसेट करने के लिए नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देती है। देयरफॉर अगर आप एक मॉडरेट कोलेस्ट्रॉल डाइट पे है तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के टोटल लेवल में थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। अगर कुछ चेंज होता है तो वो ये कि कोलेस्ट्रॉल का सोर्स आपकी बॉडी के लिए बदल जाता है, मतलब या तो आपका लिवर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सोर्स बन जाता है या अगर आप अपने डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेने लगते हैं तो आपकी बॉडी डाइट से ही कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करती है एंड उस वक्त आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मॉडरेट रखिए। इन स्पेशल केसेस आपको कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन आपके बॉडी के इंडिकेशन पे ही इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। जैसे अगर आपका ब्लड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। प्लीज रिमेम्बर, ये मैंने अब तक कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझाया है कि कैसे वो हमारे बॉडी में काम करता है, क्योंकि एग्स का कोलेस्ट्रॉल के साथ रिलेशन समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल कैसे फंक्शन करता है आपकी बॉडी में। HDL stands for High Density Lipoproteins. ये एक तरह का गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसके जो फाउंडेशन छोटे पार्टिकल्स है वो एक्चुअली LDL कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं
जिससे ये ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मेन फंक्शन ये है कि बॉडी में एंटर कर रहे बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से हटा के वापस लिवर में पहुंचाया जाए, ताकि लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करके वापस बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर भेज सके। इस तरह से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली ब्लड में से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है। एलडीएल स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एक्चुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। नॉट ऑल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर योर बॉडी। एक्चुअली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो फाउंडेशन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जैसे बिल्कुल छोटे रेत के दानों की तरह। आपकी बॉडी में ऐसे कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स आपके आर्टरीज में आसानी से घुस जाते हैं। इसलिए अगर आपके बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ने लगे तो आपके बॉडी इस टाइप के कोलेस्ट्रॉल को इजिली आर्टरीज में स्टोर करने लगती है, जिससे आपके ब्लड वेसल्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। इसलिए आपकी बॉडी को फिर इन्हीं आर्टरीज से ब्लड को पंप करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी से पूरी तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटा दो तो एक्चुअली आपकी बॉडी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगी एंड आपके नॉर्मल सेल्स बनने और फंक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको हमेशा प्रॉपर बैलेंस ऑफ एचडीएल एंड एलडीएल लेना होता है, लेकिन एलडीएल एक लिमिट तक ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस एलडीएल आर्टरीज में स्टोर होने लगता है, विच इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एलडीएल। हर किसी की बॉडी होल एग्स को अपनी अपनी तरह से अडेप्ट करती है। कुछ लोग हाइपर रिस्पोंडर भी होते हैं, मतलब उन्हें कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी होती है। ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर फूड ग्रुप से उन्हें एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जो एक्सट्रीम ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी दे सकता है, माइल्ड रैशेस या पिंपल्स के सिम्टम्स भी दे सकता है। ये सिर्फ एग्स के लिए ही नहीं, किसी भी स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स के लिए हो सकता है। तो एक्स के हाइपर रिस्पोंडर के लिए कुछ केसेस में ऐसे लोगों में फैट लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, या एक्स को डाइजेस्ट करने में भी परेशानी आ सकती है। बट ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों के केसेस में होता है, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं होता। ऑल्दो ईटिंग फ्यू एग्स पर डे मे रेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन सम पीपल, बट दे चेंज द बैड एलडीएल पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉल एंड डेंस टू लार्ज। मतलब नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जैसे रेत के पार्टिकल्स, जो इजिली ब्लड में घुस जाते हैं। लेकिन अंडे डेली अपने डाइट में लेने से जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स रेत के साइज से थोड़े बढ़कर छोटे छोटे पत्थर के साइज के हो जाते हैं, जिनको ब्लड में घुसकर आर्टरीज में स्टोर होने में ज्यादा टाइम लगता है। जितने टाइम तक में बॉडी इन बड़े साइज के पार्टिकल्स को ब्रेक करके पूरी तरह से ब्लड में डालकर आर्टरीज में घुसाती है, उससे पहले ही ये पार्टिकल्स बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से पास होकर के बॉडी से निकल जाते हैं। तो मतलब अगर आपको एग से जो कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, एंड सपोज आपने एग के साथ चीज खाया जिसमें भी हाई एलडीएल है, तो एग वाला कोलेस्ट्रॉल तो आपके आर्टरीज में घुसने में टाइम लेगा, प्लस चीज से भी जो कोलेस्ट्रॉल आपको मिला वो भी आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि एग का कोलेस्ट्रॉल चीज वाले एलडीएल एंड दूसरे फूड से आया हुए कोलेस्ट्रॉल को भी बिग पार्टिकल्स में बनाकर आर्टरीज में घुसने का स्पीड स्लो कर देगा एंड कुछ टाइम बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम से पास कर देगा। इस तरह से एग्स वाली डाइट से बढ़ने वाला कोलेस्ट्रॉल बॉडी के ब्लड लेवल में एक्चुअली कम स्पीड में एब्जॉर्ब होता है, इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज्यादा बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्रिस्टोफर ब्लेसो और कैथरीन एंडरसन ने मार्च 2013 में एक रिसर्च किया, जो उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में भी पब्लिश किया। इसमें यह देखा गया कि रोज एग खाने से कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल में कोई चेंज होता है या नहीं। 37 पार्टिसिपेंट्स को दो रैंडम ग्रुप में डिवाइड किया गया एंड उनमें से एक को रोज 3 एग्स खिलाए गए एंड दूसरे ग्रुप को एग सब्स्टिट्यूट दिया गया। 12 वीक्स की स्टडी के बाद ब्लड लिपिड प्रोफाइल एंड कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट पे पता चला कि एग्स खाने वाले ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स सब्स्टिट्यूट वाले ग्रुप से ज्यादा बड़े थे। ये साइज डिफरेंस को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिकॉर्ड भी किया गया। जिन लोगों के लार्ज एलडीएल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हार्ट डिजीज का रिस्क भी लोअर होता है। एच कैंपोस और जे जेनेस जूनियर ने फैम 1992 में एक रिसर्च से ये बात ऑलरेडी प्रूव कर दी थी एंड उन्होंने भी इसके रिजल्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में पब्लिश भी किए थे। इस रिपोर्ट के बाद काफी सारे साइंटिफिक स्टडीज ने इस फैक्ट को टेस्ट भी किया एंड कंफर्म भी किया है।
तो हाइपर रिस्पोंडर्स के केसेस में अगर एक्स से कोलेस्ट्रॉल हल्का बढ़ता भी है तो लिपिड प्रोफाइल के चेंज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बनते। तो एग्स और कोलेस्ट्रॉल का यूनिक रिलेशन आपको डिटेल में अगर समझ आ गया हो तो आपका ये डर तो मिट गया होगा कि एग्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन अब भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली रह गया होगा कि दिन में हम कितने एग सेफली खा सकते हैं, राइट? इस बात का भी आंसर विद प्रॉपर फैक्ट्स आपको मैं वंस एंड फॉर ऑल देने वाला हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप बिना डरे अपने होल एग्स को अपने डेली डाइट में इंक्लूड करेंगे? Let me know your thought. I will be back with new interesting content very soon. Till then, stay safe, be happy.